अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी हर्बलेड की प्रोडक्ट के साथ आप लोग कैसे एक बहुत अच्छा ड्यूई ग्लोई ब्राइट नो मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई नो मेकअप लुक क्रिएट करते हैं या हम मेकअप करते हैं या हम कहीं जा रहे होते हैं, तो कुछ भी लगाने से पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो फर्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, वो है फेस वॉश, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी हर्बलेड का 24 कैरेट गोल्ड फेस वॉश। ठीक है, जो कि ऑल स्किन टाइप है, प्लस फ्रेग्रेंस फ्री है, प्लस पैराबिन फ्री है, 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स के साथ है, और प्लस सबसे बढ़ के आपकी स्किन को बहुत स्मूथ ग्लोई ब्राइट टेक्स्चर देता है, जो कि इंस्टेंटली आपकी स्किन प्रिपेयर कर देता है आपके नो मेकअप लुक के लिए। या आप इसे डेली रूटीन में रख सकते हैं, दिन में एक से दो बार जब हम फेस वॉश करते हैं, ये आपको इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग प्रोवाइड करता है, ये आपको इंस्टेंट। यहाँ पे मैं अपना फेस वेट करूंगी हर्बलेड के बुल्गारियन एसेंस रोज टोनर के साथ, ताकि फेस वॉश हमारी स्किन पे अच्छे तरीके से लग जाए। तो इसको वॉश करते हैं और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप। सो फेस वॉश हमने कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि स्किन एकदम इंस्टेंटली ब्राइट हो गई और ऑलरेडी ही आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो लेकर आ जाता है। प्लस एक बहुत अच्छी चीज मुझे जो कि इस फेस वॉश में लगती है कि ये सेंसिटिव स्किन के लिहाज से, बिकॉज मेरी स्किन सुपर ड्राई एंड सुपर सेंसिटिव है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फेस वॉश करने के बाद स्किन ऑलरेडी बहुत ग्लो कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टोनिंग, बिकॉज जब हम कुछ भी लगाने लगते हैं और हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर करना होता है, तो हम स्किन को टोन अप करते हैं टोनर के साथ। एक अच्छा टोनर आपकी डेली रूटीन में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके ओपन पोर्स को क्लोज करता है, आपकी स्किन को आपकी स्किन की डलनेस को रिमूव करता है, आपकी स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करता है, अगर आप जो टोनर यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा है। प्लस हर्बलेड का जो ये जो ग्लो टोनर है, बेसिकली इट्स अलोंग विद हाइलुरोनिक एसिड, जिसकी वजह से मुझे बहुत पसंद है इसका जो सूदिंग इफेक्ट है। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, चाहे आपकी एक्नी प्रोन है। एज यू गाइज नो, हाइलुरोनिक एसिड इज बेस्ट फॉर एक्नी प्रोन स्किन एंड ऑल स्किन टाइप्स। ये इंस्टेंटली आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, टाइट करता है, आपके पोर्स को क्लोज करता है, ताकि जब आप कोई भी मेकअप वगैरह करें, कुछ भी करें, तो आपकी स्किन में पोर्स, तो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर वो मेकअप और वो पार्टिकल्स ना जाए और आपकी स्किन कंप्लीटली सेफ रहे। अपनी स्किन को टोन अप कर लिया और आप देख सकते हैं स्किन कितनी फ्रेश लग रही है, पोर्स क्लोज हो चुके हैं और स्किन बहुत ज़्यादा टाइट और ग्लोई लग दिख रही है। ठीक है, तो अब हम इस पर जो भी चीज़ लगाएंगे वो बहुत स्मूथली स्प्रेड होगी और बहुत अच्छा लुक क्रिएट करके देगी। अच्छा, अब जो हम यूज़ करेंगे, जब भी हम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है और बहुत ज़्यादा जो है लोग प्रेफर करते हैं कि जब भी आप कोई मेकअप करें या कोई क्रीम अप्लाई करें, तो उससे पहले आप एक अच्छा सिरम यूज़ करो। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एक नहीं दो सिरम्स, बिकॉज ये दोनों मेरी डेली रूटीन में होते हैं। आप चाहें तो उनमें से कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं या आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, बट दिस स्टेप इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट अ ब्राइट ग्लोई नो मेकअप लुक। ठीक, सबसे पहले मैं लूँगी हर्बलेड का परफेक्ट वाइटनिंग सिरम। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सिरम, एज द सिरम इज वाटर बेस्ड। दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। आप ये ऑयली स्किन पे अप्लाई करो और सबसे बढ़ के स्किन में बहुत ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है टोनर। अब हमारी स्किन में कम्प्लीटली पेनिट्रेट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। अच्छा, इसमें मैं मिलाऊंगी हर्बलेड का 24 कैरेट इन्फ्यूजन फेशियल ट्रीटमेंट सिरम का 1 या 2 ड्रॉप्स। यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर। एक तो ये आपको बहुत ही ग्लोई ड्यूई लुक देता है, प्लस आपकी स्किन को टाइट करता है, और अगर किसी के फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह का इशू है तो उसको भी रिजॉल्व करता है, सैगी स्किन को भी कंट्रोल करता है, अगर आपकी स्किन लूज हो रही है उसको भी टाइट करता है, और प्लस आपको एक बहुत यूथफुल ग्लो प्रोवाइड करता है। तो मैंने इसी वाइटनिंग सीरम के अंदर इसके जस्ट 1.5 ड्रॉप इसका जो है वो मैंने यूज़ किया है। तो अब हम करेंगे इन दोनों सीरम्स को मिक्स और हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पे अच्छी तरह। आप इसे अपनी पूरी स्किन पे स्प्रेड कर लें, अपने आई एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
एज यू गाइस नो कि हर्बलेड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली सेफ हैं, अगर आप अपने आई एरिया पे भी यूज करते हो ये सिरम तो देर इज नो हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली आपकी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोई कर देगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्किन कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुकी है, एक ऑलरेडी ग्लोई ड्यूई प्रोटेक्शन लेयर हमारी स्किन पे आ चुकी है, जो अगर हम कोई भी मेकअप अप्लाई करें, कोई भी क्रीम लगाएं तो ऑलरेडी ना सिर्फ कि वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे स्प्रेड होगी प्लस आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगी। तो अब बारी आती है मेन प्रोडक्ट की जो हमने नो मेकअप लुक के लिए यूज करनी है, विच इज हर्बलेड की डे वाइटिंग क्रीम अलॉन्ग विथ 25 SPF। अच्छा, ये जो क्रीम है बेसिकली ये ना सिर्फ आपको एक अच्छा ड्यूई ब्राइट लुक देती है, आपकी डलनेस रिमूव करती है, आपके डार्क स्पॉट्स लाइट होने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, प्लस आपको एक अच्छा ब्राइट लुक देती है कि अगर आप डेली जो है अपना बेबी क्रीम्स या फाउंडेशंस वगैरह नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी नेक को कवर ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता लगे पूरा लुक क्रिएट करने के बाद। तो इस तरीके से आपने इस क्रीम को अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी स्प्रेड कर सकते। अब मैं इसको करूंगी अपनी स्किन पे स्प्रेड। इस क्रीम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, पैराबेन फ्री है, इसमें किसी किस्म की कोई फ्रेग्रेंस मौजूद नहीं है, बिकॉज अक्सर फ्रेग्रेंस वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेंसिटिव स्किन पे या जो है एक्नी प्रोन स्किन पे रिएक्ट कर जाती हैं। आप इसे अपने अंडर आई पे भी लगा सकते हो अपनी डलनेस को कवर करने के लिए, प्लस अब आप देख सकते हो कि आपकी स्किन कितनी इवन हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी एरिया में ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आई एरिया हो गया, आईज के साइड का हो गया या लिप्स के साइड का एरिया हो गया, तो आप वहाँ पर दोबारा भी लगा सकते हो, ठीक है। ये क्रीम ना तो सिर्फ आपको एक ब्राइट लुक देगी प्लस आपकी जो डलनेस है उसको भी कवर करेगी, आपके डार्क स्पॉट्स को लाइट होने में बहुत हेल्प आउट करेगी, प्लस दिस इज कम्प्लीटली मेडिकेटेड अलॉन्ग विथ 25 SPF, आपको UVB रेज से भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब आप चाहो तो आप इसके ऊपर कोई फेस पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर आपको लगता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ फाउंडेशन, और अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा फेस पाउडर की ज़रूरत है बट एटलीस्ट आपको डेली फाउंडेशन या बीबी क्रीम वगैरह ये चीज़ें अप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत फेस पाउडर अप्लाई करना चाहिए आपके फेस के किसी भी पार्ट पे, तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा जो है वो फेस पाउडर उन एरियाज पे जहाँ पे मुझे लगता है कि बट एटलीस्ट आई डोंट नीड टू यूज़ फाउंडेशंस और बीबी क्रीम्स ऑन डेली बेसिस। अगेन मैं बता दूँ कि मैं नेक को कवर नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसलिए कि आप लोग डिफरेंस देख सकें। करेंगे हर्बलेड का लिप्स एंड चीक टेंट, जो कि ना सिर्फ आपके लिप्स पे एक नेचुरल रेडिश पिंकिश टेंट प्रोवाइड करता है, प्लस आपके चीक्स पे और प्लस आपके आईज पे भी, बिकॉज आज हमने बिल्कुल नेचुरल लुक क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको आपने किस तरीके से यूज करना है, इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे अपने चीक्स पे। आप जितना मर्जी चाहो कलर बिल्डअप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, या आपको एक बहुत नेचुरल ड्यूई रेडिश एंड पिंकिश ग्लो देता है, तो अब बारी आती है आईज की, कि आईज को आप चाहो तो कोई आई शेड भी यूज कर सकते हो, मगर मैंने आज मैक्सिमम हर्बलेड की ही प्रोडक्ट्स के साथ ये लुक क्रिएट करना है, तो मैं आईज पे भी लिप्स एंड चीक टिंट ही अप्लाई करूंगी हर्बलेड का, और उसी से अपने आईज के कॉर्नर्स को कॉन्टोर करूंगी हल्का सा, ताकि एक अच्छा सा जो है वो
नेचुरल सा लिट पे कलर आ जाए जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो इस कलर को थोड़ा और भी अपने कॉर्नर्स पे बिल्डअप कर सकते हो, चाहो तो आप इसके साथ हल्का सा शिमर भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, विच इज़ अगेन कम्प्लीटली ऑप्शनल। ऑब्वियसली हम नो मेकअप लुक कर रहे हैं तो मस्कारे के बगैर आई थिंक कोई भी लुक कंप्लीट नहीं होता। सो हेयर इज द फाइनल आर ड्यूई ग्लोई एंड ब्राइट नो मेकअप लुक अलॉन्ग विद हर्बलाइट प्रोडक्ट्स। अपने रिव्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।